नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, हमारा सेल का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी निकल कर आई हुई है, जो कि कक्षा 10 ITI डिप्लोमा डिग्री सभी लोगों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। आपको इस करियर्स वाले सेक्शन में जाना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, जो आपका पेज है कुछ इस तरह से ओपन होगा, और आपको नीचे जाना है। जॉब ओपनिंग्स में यहाँ पर देखेंगे नीचे, तो यहाँ पर देखिए भिलाई स्टील प्लांट एंड अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन भिलाई स्टील प्लांट चंद्रपुर फेरो एलाय प्लांट। तो देखिए सलेम स्टील प्लांट सेल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट। यहाँ पर इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट है, नीचे आपको हिंदी में एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। तो यहाँ पर इंग्लिश वाले पर हम लोग क्लिक करेंगे, तो देखिए जो आपका पेज है कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी निकाली गई है, जिसका कि एडवर्टाइजमेंट नंबर BSP 15 रिक्रूटमेंट 2022-23 डेट यहाँ पर दिखा रहा है, 7/11/2022 यहाँ पर डेट दिखा रहा है। और सेल का ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया PDF आप लोग देख ही सकते हैं। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि सीनियर कंसल्टेंट का E4 ग्रेड का है। ठीक, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट, यहाँ पर कार्डियोलॉजी का एक है, न्यूरो सर्जरी का यहाँ पर एक सीट है, और इसको कंसल्टेंट E3 ग्रेड मेडिकल ऑफिसर का दोस्तों यहाँ पर मेडिसिन जनरल मेडिसिन का 2 सीट, ऑर्थोपेडिक का 1 सीट है, जनरल सर्जन सर्जरी का 2 सीट है, सर्जरी का यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 1 सीट है, ENT का 1 है, और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन का 1 सीट अवेलेबल है। मेडिकल ऑफिसर E1 ग्रेड का दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। फिर यहाँ पर देखिए मैनेजर हाइड्रोलिक का यहाँ पर दिया गया है पोस्ट। इसके बाद यहाँ पर E2 ग्रेड पर कुछ वैकेंसी निकाली गई हैं, और यहाँ पर दोस्तों कुछ जैसे फायर माइन फोरमैन का यहाँ पर 16 पदों पर है, सर्वेयर का 4 पदों पर है, और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का यहाँ पर 8 सीट है, माइनिंग मेट का 17 सीट है, ब्लास्टर का यहाँ पर 17 सीट है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर ऑपरेशन का 43 सीट है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर का यहाँ पर 23 सीट अवेलेबल है। और यहाँ पर देखिए ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर के लिए यहाँ पर इसको ऑपरेटर कम टेक्नीशियन का यहाँ पर मेटलर्जी का देखेंगे 9 सीट है, मैकेनिकल का 4 सीट है, इलेक्ट्रिकल का 4 सीट, इंस्ट्रूमेंटेशन का 4 सीट, केमिकल का यहाँ पर 3 सीट है, और यहाँ पर देखिए अटेंडेंट कम टेक्नीशियन जो कि ITI वालों के लिए है, फिटर के यहाँ पर 28 सीट है, इलेक्ट्रीशियन का 15 सीट है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक यहाँ पर 3 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का 3 सीट है, और हैवी व्हीकल ड्राइवर के यहाँ पर 5 सीट अवेलेबल है। यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है सब कुछ पूरा डिटेल यहाँ पर, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं। तो फिटर के यहाँ पर देखिए यहाँ रिजल्ट कैटेगरी में 19 सीट है, SSC का 6 सीट है, 4 सीट बैकलॉग का है, इसके बाद EWS का 2 सीट है, PWD का यहाँ पर 3 सीट है, 2 बैकलॉग का है, ESM का एक्स सर्विसमैन के यहाँ पर 4 सीट है। इस तरह से दोस्तों इलेक्ट्रीशियन का है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, हैवी ड्राइवर व्हीकल, यह सभी पोस्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये ITI बेस पर निकाला गया है वैकेंसी, और भी 10वीं पोस्ट पर हैं सब। और देखिए फायर इंजन ड्राइवर के यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 8 सीट अवेलेबल है। हाँ, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है सब कुछ, जिससे भी आपको भरना हो देख सकते हैं, BBTEC वालों के लिए भी है, और यहाँ पर नीचे हम आपको डिप्लोमा वालों के लिए भी दिखाएंगे, ITI वालों के लिए भी है, कक्षा 10-20 पर भी है, सभी वैकेंसी यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं माइंस फायरमैन वाला मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, +3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, तो सर्वेयर के यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मेट्रिकुलेशन डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, और यहाँ पर है माइनिंग मेट का है, और ब्लास्टर का है, देखिए कक्षा 10-20 पर है ये, और ऑपरेशन कम टेक्नीशियन बॉयलर की ये भी कक्षा 10-20 पर है, प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या केमिकल या प्लांट ऑपरेटर में, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के यहाँ पर मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, प्लस ITI होना चाहिए आपके पास। ठीक, अपर एज लिमिट 28 साल 30 साल, जिसमें जैसे आप अपना चेक कर लीजिएगा। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन का यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मेट्रिकुलेशन और डिप्लोमा बेस पर है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के यहाँ पर ITI बेस पर है, देख सकते हैं आपका फिटर इलेक्ट्रीशियन या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इन सभी में हो तो आप लोग डाल सकते हैं फॉर्म। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी हैवी व्हीकल ड्राइवर के यहाँ पर देख सकते हैं ये भी कक्षा 10-20 पर है, विथ हैवी लाइसेंस, हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। फायरमैन कम फायर इंजन के यहाँ पर देखिए कक्षा 10-20 पर है ये, देख सकते हैं यहाँ पर जो भी स्टूडेंट हैं चाहे 10 हो ITI हो डिप्लोमा डिग्री, सभी लोग यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं ये सब पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। तो
अब आपके फीस के बारे में यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट अगर एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो SC ST वालों को 5 साल का छूट मिल जाएगा। और देखिए जो एज की गणना करनी है 17 दिसंबर 2022 के आधार पर करना है। 3 साल OBC नॉन क्रीमिलेयर वालों को छूट मिलेगा, PWD वालों को 10 साल का छूट मिलेगा। और यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में बताया गया, आप यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जैसे कि मेडिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, तो इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो भी पे स्केल है वो आपका दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जिनका भी है, देख सकते हैं SR कंसल्टेंट का है, मैनेजर का है, सब कुछ यहाँ पर माइनिंग मेट का है। तो ITI वालों के लिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 25,070 से लेकर 35,070 तक है, और डिप्लोमा वाले 26,600 से 38,920 तक है। तो ये सब पे स्केल देख सकते हैं। और क्वालिफिकेशन तो आप लोग देखे, अप्लीकेशन फीस कितना लगेगा, तो आप प्रोसेसिंग फीस और अप्लीकेशन फीस जनरल OBC WS कैंडिडेट के लिए जिनका पोस्ट E1 और इसके अब उनका 700 लगेगा, प्लस प्रोसेसिंग फी यहाँ पर 200 है। S3 का यहाँ पर देखिए, ये है सिर्फ जनरल OBC और WS वालों के लिए, SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन का सिर्फ प्रोसेसिंग फीस लगेगा। S3 पोस्ट के लिए जितने भी हैं 500 लगेगा, S1 पोस्ट वालों को यानी कि ITI वालों का 300 लगेगा। तो ये हो गया, बाकी आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ATM, डेबिट कार्ड किसी भी तरह से आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है तो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर करियर वाले सेक्शन में जाके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आप लोगों को बता दी, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि आपको लगभग कितना मिलेगा। तो S1 ग्रेड का फर्स्ट ईयर में 12,900 से मिलेगा, सेकेंड ईयर में 15,000 पर मंथ मिलेगा, S3 पोस्ट वालों को 16,100 रुपये पर मंथ मिलेगा और 18,300 मिलेगा। और यहाँ पर जो भी टर्म और कंडीशन है आप अपना देख लीजिए। और दोस्तों ये जो फॉर्म भरना है ये स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन ये 26 नवंबर 2022 से स्टार्ट होगा और 17 दिसंबर 2022 तक ये फॉर्म भरा जाएगा, ठीक। और जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं दोस्तों जिनको ये PDF चाहिए, PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं। और आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से सर्च करना पड़ेगा टेलीग्राम पर, ऑब्जेक्टिव सेंटर यहाँ पर सर्च करिएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव सेंटर ये जो है इसी नाम से सर्च करेंगे तो ये टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। और यहाँ पर मैं PDF डाल दूंगा अभी, जस्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और असल का अगर प्रीवियस ईयर का पेपर चाहिए दोस्तों तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव सेंटर में को ज्वाइन कर लेना है और इसको यहाँ फाइल्स वाले सेक्शन में जाइएगा, तो इस पर क्लिक करिएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऐसे आप अपना सर्च कर लीजिएगा, आ जाएगा यहाँ पर PDF, ठीक। तो फाइल्स वाले सेक्शन में जाके अपना PDF डाउनलोड कर लीजिए और जो भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल है इसमें डाले जाते हैं आप इसे जरूर ज्वाइन करें। और आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर ग्रुप भी बनाया गया है जो कि ऑब्जेक्टिव सेंटर ग्रुप नाम से है, इसे देख लीजिए, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पर स्टडी रिलेटेड मटेरियल और PDF पर अगर कोई डाउट हो तो इसमें आप लोग पूछ भी सकते हैं, तो इसे आप लोग जरूर ज्वाइन करें। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जिसको PDF हिंदी में चाहिए दोस्तों वो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।